Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn how to design a program. It is a part of introduction and preliminaries of programming fundamental. Let's start with first, what is programming? Programming क्या है? अच्छा, ये मैं बताने से पहले एक आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? मैं आपको एक पैराग्राफ शो करूंगा, आपने विद इन 1 or 2 seconds मुझे बताना है कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस. और इवन आपने मुझे ये भी बताना है कि इसके अंदर जो कार का वर्ड है वो कितनी दफ़ा यूज हुआ है और टोटल ऑफ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं. आपने देखा विद इन 1 second इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग ये टास्क परफॉर्म करना. हालांकि छोटा सा ये पैराग्राफ दिया गया था, लेकिन क्या है जी, कंप्यूटर ये टास्क फौरन परफॉर्म कर सकता है विद इन नैनो सेकेंड्स और सेकेंड्स के अंदर. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग, हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है. वो इसलिए ज़रूरत है, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी और उसके अंदर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि हमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स फाइंड करने थे इस डेटे के अंदर, तो जो कि एक ह्यूमन मतलब उसके लिए मुश्किल है इसको परफॉर्म करना, तो हम कंप्यूटर से वो परफॉर्म करवाना चाहते हैं. तो फिर हम एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर कुछ प्रोग्राम या कुछ कोड रन करते हैं. तो जो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है वो ये है कि हम सिस्टमेटिक वे से जो डेटा दिया गया है उसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और फिर जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हम उससे अचीव करते हैं. यानी कि इसके अंदर जैसे ये डेटा था, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ था कि मुझे ये बताया कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं इस पैराग्राफ के अंदर और कितनी दफ़ा कार का वर्ड यूज़ किया गया. तो इस पर्पज़ के हल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ा और उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ी, देन मुझे उसके रिजल्ट मिले. यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन लेने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसका रिक्वायर्ड आउटपुट अचीव करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग. फिर हम देख लेते हैं कि इसको प्रोग्राम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है. सबसे पहले जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो ऑलवेज प्रोग्राम होता है वो क्या होता है कि इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और इसको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं ताकि वो टास्क परफॉर्म करके हम लोग आउटपुट रिजल्ट ले सकें उसके. सेकेंड, वो इंस्ट्रक्शन किस किस्म की हो सकती हैं, वो ये भी हो सकती हैं, वो हम लोग मेमोरी के अंदर राइटिंग करवा सकते हैं, मेमोरी से रीड करवा सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और सम अदर्स टास्क भी हम उससे परफॉर्म कर सकते हैं. और इसका मेन पर्पज़ वो यही है प्रोग्रामिंग का कि जो भी जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सोल्यूशन जो है वो हम लोगों ने ऑब्टेन करना है, इसलिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं. अच्छा, देयर आर 5 major steps हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हुए ऑलवेज प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं. वो क्या हैं वो हम लोग अभी देख लेते हैं. ये 5 major steps हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं. जो फर्स्ट स्टेप है वो है एनालाइज द प्रोग्राम. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उसके बारे में थिंक करते हैं और रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि इशू क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी कि एनालाइज द प्रोग्राम. सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम. और जो हम डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर चाहिए, एक आप कॉपी पेंसिल के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और कैसे हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे. थर्ड नंबर पे क्या है जी, आप क्या करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करते हैं, वो चाहे वो C++ है या जावा है या पाइथन है, और उसके अंदर जो आपने पेपर पे डिज़ाइन किया था प्रोग्राम, ठीक है ना, उसको फिर हम लोग कोड की शेप में लिखना शुरू करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर. फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं जी, जब वो प्रोग्राम लिख लेते हैं तो फिर हम उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर अगर कोई सिंटैक्स एरर हैं या कोई रन टाइम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कोई लॉजिकल मिस्टेक्स दी गई हैं, वो इसके अंदर फोर्थ स्टेप के अंदर हम उसको ठीक करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं कि जी जो फाइनल और लास्ट स्टेप होता है वो होता है एवेल्यूएट द सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन जो किया हमने कब प्रोग्राम बना लिया फिर उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर लिया जाता है और उसके बाद हमने जो प्रॉब्लम था और जो हमारे डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं. तो ये 5 major steps हैं जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है. अच्छा, एल्गोरिदम क्या है जी, कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख के उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, यानी स्टेप्स में लिखते हैं. और ये एक प्रोसेस को भी कहते हैं, ठीक. बेसिकली कोई भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि 2 + 2 जो है वो हम प्लस करवा रहे हैं, वो भी एक प्रोसेस है, यानी कि हम उसे कहते हैं एडिशन करो, ठीक है. इसी तरह हम उसकी परसेंटेज लेना चाहते हैं तो हम परसेंटेज का जो फार्मूला लिखेंगे या उसे परसेंटेज कराएंगे किसी प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी बेसिकली एक एल्गोरिदम है. जो इसकी डेफिनेशन है वो एन एल्गोरिदम इज अ डिफाइंड एज द फाइनेट स्टेप्स फॉलोड इन ऑर्डर टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं
उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। नेक्स्ट जी मैं एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइक हम कैसे एल्गोरिदम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एक ये एग्जांपल है कि हमें क्या फाइंड करना है एवरेज स्कोर ऑफ आ स्टूडेंट फॉर द 3 टेस्ट मार्क्स, यानी कि 3 टेस्ट दिए गए हैं उनकी हम लोगों ने एवरेज निकालनी है फॉर स्टूडेंट के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे, तो पहले स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप टू में क्या करेंगे एक्सेप्ट द 3 टेस्ट मार्क्स, यानी कि तीनों के मार्क्स जो हैं वो हम करेंगे टेस्ट वन का, टेस्ट टू का, टेस्ट थ्री के जो है मार्क्स वो लिखे जाएंगे। स्टेप थ्री में क्या करेंगे हम इसको सम करेंगे, एडिशन करेंगे, T1 + T2 + T3, यानी कि तीनों टेस्ट को हम प्लस कर लेंगे। फिर स्टेप फोर में क्या करेंगे हम इसकी एवरेज ले लेंगे, एवरेज लेने का फॉर्मूला है कि जो टोटल सम होगा उसको डिवाइड कर लेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या एवरेज आ जाएगी वैल्यू। नंबर फिफ्थ के क्या होगा स्टेप, हम जो एवरेज आई है वो हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। एंड लास्ट जो है स्टेप 6 के अंदर स्टॉप कर दो। इस तरह ये एक हम लोगों ने स्मॉल सा एल्गोरिदम लिखा है और एक प्रोग्राम लिखा है, तो स्टार्ट से स्टार्ट होगा और स्टॉप पे क्लोज होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एल्गोरिदम है उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू टू वॉच माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।